वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मेक्स मैथ्स इजी। टुडे वी विल स्टडी क्लास 9 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 ऑल क्वेश्चन सॉल्व। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट एबी इज पैरेलल टू सीडी। यहां पे हमको दिया हुआ है ये वाला एंगल 50 डिग्रीज का, ये वाला एंगल दिया हुआ है 130 डिग्रीज का और कहता है एंगल एक्स और एंगल वाई निकालने के लिए और हमसे बोलता है कि ए बी और सी डी लाइन मेरा पैरेलल होगा ये प्रूफ कीजिए। ये कैसे होगा आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 6.2 ये है मेरा दिया हुआ फिगर जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था। ओके यहाँ पे कहता है फाइंड एक्स एंड वाई और कहता है शो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लाइन एल क्या है। लाइन एल जो ये वाला लाइन है वो है मेरा एक ट्रांसवर्सल टू लाइंस ए बी एंड सी डी। तो लाइन एल जो है वो है मेरा ट्रांसवर्सल ये लाइन ए बी और ये लाइन सी डी के ऊपर। लाइन एल इज ए स्ट्रेट लाइन। लाइन एल जो है वो मेरा एक स्ट्रेट लाइन है। ई ए इज द रे ऑन लाइन एल। ई ए देखिए ये वाला एक रे है ई ए। सो एंगल 50 डिग्री एंड एंगल ए ई एफ यानी कि ये वाला एंगल 50 डिग्री और ये वाला एंगल ए ई एफ यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल ए ई एफ यानी कि एक्स मेक्स ए लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल मिला के मेरा हो रहा है लीनियर पेयर। ध्यान से देखिए ये वाला अगर मेरा एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये रे निकला है यहाँ से तो ये दोनों एंगल क्या हो गया लीनियर पेयर। देयरफॉर 50 डिग्री प्लस एंगल एक्स ये मेरा हो जाता है 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल एक्स मेरा निकल जाता है यहाँ से 130 डिग्री। ठीक है तो यहाँ से हमको एंगल एक्स निकल गया। अब देखिए नेक्स्ट सिमिलरली एफ सी इज ए रे ऑन लाइन एल। एफ सी जो है वो एक रे है लाइन एल के ऊपर। ये है देखिए एफ सी। अगर ये वाला एफ सी है ये क्या है ये मेरा एक रे है इस लाइन के ऊपर। ये वाला लाइन जो था मेरे पास लाइन एल जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अगर ये इस तरीके से बनता है रे तो ये वाला एंगल यानी कि ई एफ सी और ये वाला एंगल 130 डिग्री ये मेरा क्या बन जाएगा ये मेरा बन जाएगा लीनियर पेयर। देखिए एफ सी इज ए रे ऑन लाइन एल सो 130 डिग्री एंड एंगल ई एफ सी मेक्स ए लीनियर पेयर एंगल। देयरफॉर एंगल 130 डिग्री प्लस एंगल ई एफ सी ये बन गया 180 डिग्री और एंगल ई एफ सी मेरा बन गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यानी कि एंगल ई एफ सी हमको मिल गया 50 डिग्रीज का। देखिए यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल ई एफ सी ये भी हमको मिल गया है 50 डिग्रीज का। ओके अगर ये वाला मेरा 50 डिग्रीज का है ध्यान से देखिए ये वाला मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है सी डी सी डी मेरा एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर में अगर मेरा देखिए ये वाला जो एल लाइन है ऐसा कट कर रहा है तो ये क्या हो गया ये मेरा बन जाता है लीनियर पेयर यानी कि ये वाला जो एंगल है 50 डिग्री का और ये वाला जो वाई एंगल है ये दोनों को मिला के मेरा क्या बन जाएगा एक लीनियर पेयर। ओके ऑल्सो एफ ई इज अ रे ऑन लाइन सी डी। एफ ई जो है वो एक रे है लाइन सी डी के ऊपर में। ये देखिए ये है मेरा एफ ई। ठीक है एफ ई क्या है एफ ई मेरा एक रे है कौन से लाइन के ऊपर में ये सी डी के ऊपर में। ठीक है तो ये क्या हो गया ये मेरा बन गया लीनियर पेयर। सो एंगल ई एफ सी एंड एंगल वाई मेक्स ए लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल ई एफ सी प्लस एंगल वाई ये मेरा बन गया 180 डिग्री और एंगल वाई मेरा बन जाता है यहाँ से 130 डिग्री। इस तरीके से हम लोग को एंगल एक्स और एंगल वाई मिल गया। देयरफॉर फ्रॉम द अबव फाइंडिंग्स एंड फिगर एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके देयरफॉर एंगल सी एफ एच इज इक्वल टू एंगल एक्स। यहाँ पे कहता है कि एंगल सी एफ एच और एंगल एक्स दोनों इक्वल हैं। देखिए एंगल सी एफ एच यानी कि ये वाला है मेरे पास एंगल सी एफ एच जो क्वेश्चन में दिया हुआ था और ये वाला है एंगल एक्स जो हम लोग निकाले। ठीक है तो एंगल एक्स मेरा क्या आ रहा था एंगल एक्स मेरा आ गया था 130 डिग्री। तो ध्यान से देखिए ये जो एंगल एक्स है और ये जो एंगल
सी एफ एच है, दोनों क्या है, दोनों सेम है। ये दोनों कैसा लग रहा है, ये दोनों लग रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनेगा, जब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मेरा पैरेलल होगा तब जाके मेरा ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा। ओके, आइए देखिए, ये बन गया मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड जी एच इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, हेंस प्रूफ। इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर दिए कि लाइन ए बी जो है वो लाइन सी डी का पैरेलल है, क्योंकि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा वो तभी बन सकता है जब मेरा ये दो लाइंस पैरेलल हो एक दूसरे का और एक ट्रांसवर्सल उसको कट करेगा, तभी जाके मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसलिए ये वाला जो लाइन है इस वाले लाइन के साथ मेरा पैरेलल हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन टू, देखिए क्या बोल रहा है। ये है क्वेश्चन टू, ये कहता है इन फिगर 6.29 यानी इस वाले फिगर में, इफ ए बी सी डी इज पैरेलल, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये वाला जो ए बी है पैरेलल है सी डी का। ओके, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, यानी कि ये वाला जो सी डी लाइन है ये पैरेलल है ये ई एफ लाइन का, इसका मतलब ये तीनों ही लाइन पैरेलल है एक दूसरे का। ठीक है, एंड वाई इज टू जेड दिया हुआ है हमको 3:7, निकालने के लिए बोलता है एंगल एक्स, कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पे ये वाला फिगर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। नंबर टू कहता है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, यानी कि ये जो भी लाइन है ये सब पैरेलल है एक दूसरे का, ये क्वेश्चन में हमको बोल रहा है। ओके, वाई इज टू जेड यानी कि एंगल वाई और एंगल जेड का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 3:7, हमको निकालने के लिए बोलता है एंगल एक्स। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहता है कि सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, अगर सी डी और ई एफ दोनों पैरेलल है और ये वाला मेरा एक ट्रांसवर्सल है जो कट किया है दिया हुआ पैरेलल लाइंस को, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा देखिए, पी आर इज ए ट्रांसवर्सल, सो एंगल सी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल जेड, ये वाला जो एंगल सी क्यू आर है ये वाला एंगल, ये वाला क्या हो जाएगा, ये मेरा जेड का इक्वल हो जाएगा, क्यों, ये मेरा बन जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टीज है, दो लाइन पैरेलल है यानी कि सी डी इज पैरेलल टू ई एफ और ये वाला हो गया है मेरा एक ट्रांसवर्सल बीच में, तो ये दोनों एंगल बन गया है मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए ये वाला जेड है तो ये वाला भी मेरा जेड हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एंगल वाई प्लस एंगल सी क्यू आर, यानी कि ये वाला एंगल वाई और ये वाला एंगल सी क्यू आर, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा एक लीनियर पेयर। ठीक है, क्योंकि देखिए ये वाला मेरा एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर में देखिए ये वाला एक रे है, तो ये क्या हो गया है मेरा, ये मेरा बन गया है लीनियर पेयर, देयरफॉर एंगल वाई प्लस एंगल सी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि लीनियर पेयर एंगल्स। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एंगल सी क्यू आर हमको निकल गया था एंगल जेड, इसलिए मेरा हो गया है एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था एंगल वाई और एंगल जेड का मेरा रेशियो दिया हुआ है 3:7 का, ये कैसे निकलेगा देखिए, तो y मेरा निकल जाएगा 3/3+7, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े थे जिस भी एंगल का हम लोग निकालेंगे वो वाला मेरा होगा ऊपर, यानी कि देखिए y का y कितना है 3, तो 3 हो गया मेरा ऊपर, और टोटल कितना है, टोटल है मेरे पास 3+7 यानी कि 10, तो जिस भी एंगल का निकालेंगे वो रहेगा ऊपर और टोटल रहेगा नीचे, तो y मेरा बन गया 3/10, वैसे ही z मेरा बन जाएगा 7/10। इस तरीके से हम लोग y और z को निकाल लेंगे दिया हुआ रेशियो से, ये मेरा आ गया, अब देखिए y मेरा हो गया 3/10, तो 3/10 ऑफ कितना, 3/10 ऑफ 180 डिग्रीज, क्योंकि यहाँ पे तो हमको 180 डिग्रीज आया था। ठीक है, तो 180 डिग्रीज का 3/10 बन गया y, और 180 डिग्रीज का देखिए 7/10 ये बन गया मेरा z। ओके, ये मेरा हो जाता है y वाला वैल्यू 3/10 × 180 यानी कि 54 डिग्रीज, और z बन जाता है 7/10 of 180 यानी कि 126 डिग्रीज। देयरफॉर y मेरा निकल गया 54 डिग्रीज और z मेरा निकल गया 126 डिग्रीज। z मतलब क्या था, z मतलब था मेरे पास एंगल सी क्यू आर, तो एंगल सी क्यू आर मेरा निकल गया 126 डिग्रीज।
देखिए, तो एंगल सी क्यू आर यानी कि ये वाला, ये निकल गया मेरे पास 126 डिग्रीज का। तो ध्यान से देखिए, गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। अब हमको यहाँ पर बोलता है कि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि ए बी और सी डी पैरेलल है और बीच में जो पी क्यू है वो है मेरा ट्रांसवर्सल। देखिए, ये वाला जो लाइन है ए बी और ये वाला जो लाइन है सी डी, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ओके, और बोलता है कि ये वाला जो बीच में लाइन है पी क्यू, ये वाला मेरा हो गया है ट्रांसवर्सल। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल सी क्यू आर यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला है एंगल एक्स और ये वाला है एंगल सी क्यू आर। देखिए, ये दोनों ही मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गया है। तो हमको पता है कि अगर दिया हुआ लाइन मेरा दो पैरेलल लाइन्स है और बीच में एक ट्रांसवर्सल हमको मिल जाता है, तो एंगल एक्स और एंगल सी क्यू आर ये मेरा बन जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि दोनों बन जाएगा इक्वल। इसलिए एंगल एक्स मेरा बन जाएगा 126 डिग्रीज का। ओके, देखिए, देयरफोर एंगल एक्स मेरा बन गया है 126 डिग्रीज का, क्योंकि एंगल सी क्यू आर भी था मेरे पास 126 डिग्रीज का, और ये दोनों मेरा हो गया है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है इन द फिगर 6.30 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हमको यहाँ पर ए बी और सी डी को बोल रहा है कि पैरेलल है। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ कहाँ पर, देखिए ये वाला है ई एफ, ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर में, यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है वो बन जाएगा 90 डिग्रीज का। ठीक है, एंड एंगल जी ई डी इज 126। देखिए जी ई डी कहाँ है, ये वाला है एंगल जी ई डी, यानी कि यहां से लेके और यहां तक कितना है, ये मेरा है दिया हुआ क्वेश्चन में 126 डिग्रीज। ठीक है, फाइंड एंगल ए जी ई जी एफ एफ जी ई, यानी कि हमको यहाँ पर निकालने के लिए बोलता है एंगल ए जी ई, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है हमको, फिर बोलता है जी ई एफ यानी कि हमको निकालना है ये वाला एंगल, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ पे जो एंगल हो रहा है वो निकालना है जी ई एफ, उसके बाद निकालना है एफ जी ई, यानी कि ये निकालना है हमको ये वाला एंगल। ठीक है, ये कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला फिगर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। कहता है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि ये वाला जो ए बी है और ये वाला जो सी डी है ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे का। फिर ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो मेरा हो गया है 90 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, और ये 90 है तो ये वाला भी मेरा हो जाएगा 90 डिग्रीज का एंगल। ओके, अब देखिए क्या बोलता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में एंगल जी डी 126, यानी कि यहां से लेके और यहां तक ये पूरा एंगल हमको दिया हुआ है 126 का। ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक हमको दिया हुआ है 126, लेकिन ये वाला मेरा यहां से लेके यहां तक कितना है, ये वाला यहां से लेके यहां तक मेरा हो गया है 90। जब ये टोटल 126 है और यहां से लेके यहां तक मेरा हो गया है 90, तो मेरे पास ये वाला एंगल कितना बच जाएगा, ये वाला एंगल मेरे पास बच जाएगा 126 माइनस 90। देखिए, एंगल जी ई डी ये मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में 126 डिग्रीज, तो देखिए एंगल जी ई एफ यानी कि ये वाला एंगल एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी यानी कि ये वाला एंगल एफ ई डी, ठीक है, ये मिला के मेरा क्या हो रहा है 126 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, जी ई डी मतलब होता है जी ई एफ प्लस एफ ई डी। तो देखिए जी ई एफ क्या है, जी ई एफ हमको यहाँ पर निकालना है और हमको यहाँ पर ये दिया हुआ है एंगल एफ ई डी 90 डिग्रीज, इसलिए ये मेरा हो गया है एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90, देयरफोर एंगल जी ई एफ मेरा हो गया है 36 डिग्रीज का। इस तरीके से हम लोग एंगल जी ई एफ को यहाँ से निकाल लिए। ओके, अब देखिए, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो सी डी का पैरेलल है, एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, देन ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यहाँ पर हमको बोलता है कि ए बी और सी डी जो है ये मेरा पैरेलल लाइन्स है और एफ ई जो है वो मेरा है परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। तो अगर ये वाला मेरा सी डी से परपेंडिकुलर है तो ये वाला लाइन मेरा एफ ई जो है वो मेरा ए बी के साथ ही परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल यानी कि एंगल जी एफ ई
और ये वाला एंगल यानी कि एंगल बी एफ पी, ये दोनों ही मेरा हो जाएगा 90 डिग्रीज का एंगल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, जब ये वाला मेरा हो जाएगा 90 डिग्रीज का और हमको पता है कि ये वाला जो एंगल यहाँ से हमको मिला है वो कितना था, वो था मेरे पास 36 डिग्रीज का, ये हो गया है 90, ये हो गया है 36, तो ये वाला एंगल हमको निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग अगर 180 से अगर माइनस कर देंगे 90 और 36 को, तो हमको ये वाला एंगल जो है एंगल एफ जी ई वो वाला हमको मिल जाएगा। ओके आइए देखिए, सो एंगल जी एफ ई इज इक्वल टू एंगल बी एफ ई, ये मेरा बन गया 90 डिग्रीज का। नाउ कंसिडरिंग ट्राइंगल जी एफ ई, अब हम लोग यहाँ पर एक ट्राइंगल को देख रहे हैं जो है मेरा जी एफ ई। सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल जी एफ ई मेरा होता है 180 डिग्री। तो देखिए जी एफ ई कहाँ पर है, ये वाला है मेरा ट्राइंगल जी एफ और ई, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल में हमको बोल रहा है कि हमको तीनों एंगल ऑफ ए ट्राइंगल को अगर एड करेंगे वो मेरा हो जाएगा 180 डिग्रीज का, ठीक है। ये वाला हमको दिया हुआ है 90, फिर से ये वाला हमको दिया हुआ है 36, तो ये वाला हमको निकालना है। जी एफ ई प्लस जी ई एफ प्लस एफ जी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 90 डिग्रीज प्लस 36 डिग्रीज प्लस एंगल एफ जी ई हो गया 180 डिग्रीज। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एंगल एफ जी ई जो कि मेरा बन गया है 54 डिग्रीज का। ओके अब ध्यान से देखिए, नाउ अब कहता है एंगल एफ जी ई एंड एंगल ए जी ई फॉर्म्स ए लीनियर पेयर, ये जो दो एंगल है ये मेरा बना रहा है लीनियर पेयर। देखिए एंगल एफ जी ई कहाँ पर है, देखिए ये वाला है मेरे पास एंगल एफ जी ई, ओके ये वाला है एंगल एफ जी ई और मेरे पास ये वाला है एंगल ए जी ई, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल ए जी ई है और ये वाला एंगल एफ जी ई है, तो ये वाला क्या है, ये वाला है मेरे पास एक ट्रांसवर्सल और ये वाला हो गया है मेरे पास एक लाइन और ये हो गया है मेरे पास दूसरा लाइन। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दो लाइंस मेरा पैरेलल है और बीच में ऐसा ये लाइन कट कर देगा उसको, तो ये मेरा बन जाएगा एक ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर के एंगल। हमको सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल से ये वाला एंगल मिल गया था एंगल एफ जी ई, तो ये दोनों एंगल्स को मिला के हो जाएगा 180 डिग्रीज। देखिए कैसे होगा, एंगल एफ जी ई एंड एंगल ए जी ई फॉर्म्स ए लीनियर पेयर, इसलिए एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई को ऐड कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 180 डिग्रीज का, क्योंकि ये मेरा लीनियर पेयर हो रहा था। ओके देयरफॉर ये मेरा हो जाएगा एंगल ए जी ई यहाँ से 180 डिग्रीज माइनस एंगल एफ जी ई, देयरफॉर ये मेरा हो गया 180 डिग्री माइनस 54 डिग्रीज, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए जी ई मेरा मिल जाएगा 126 डिग्रीज का, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं और एंगल ए जी ई को निकाल सकते हैं। ओके अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन 4, ये क्या कहता है, देखिए ये है क्वेश्चन 4, ये कहता है इन फिगर 6.31 यानी कि इस वाले फिगर में इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये वाला जो पी क्यू है वो मेरा एस टी का पैरेलल है, यानी कि ये वाला और ये वाला पैरेलल है, ठीक है। अब कहता है एंगल पी क्यू आर इज 110, यानी कि ये वाला जो एंगल है दिया हुआ है 110 डिग्रीज का, एंड एंगल आर एस टी दिया हुआ है 130 का, यानी कि ये वाला जो एंगल है आर एस टी ये दिया हुआ है 130 का। हमको निकालना है एंगल क्यू आर एस, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए कैसे होगा, ये वाला है मेरे पास फिगर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको बोलता है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, यानी कि ये वाला जो पी क्यू है वो मेरा एस टी का पैरेलल है। अब हमको बोलता है कि ये वाला जो पी क्यू है ये पी क्यू मेरा एस टी का यानी कि ये वाले लाइन का पैरेलल है। देखिए तो ये वाला और ये वाला मेरा क्या हो गया, ये दोनों बन गया मेरा पैरेलल लाइंस, ठीक है। फिर कहता है एंगल पी क्यू आर इज 110 और ये कहता है एंगल आर एस टी इज 130, फाइंड एंगल क्यू आर एस, यानी कि ये वाला एंगल हमको निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे, ये वाला जो लाइन है ये वाला लाइन को हम लोग धीरे धीरे पीछे की तरफ में एक्सटेंड कर दिए, देखिए डॉटेड लाइन से हम लोगों ने इसको एक्सटेंड कर दिया है पीछे की तरफ में, यानी कि जो लाइन एस टी है उसको हम लोगों ने पीछे की तरफ में डॉटेड लाइन करके इसको एक्सटेंड कर दिया। ओके अब देखिए ये वाला जो लाइन क्यू आर है
इसको भी हम लोगों ने डॉटेड लाइन करके एक्सटेंड कर दिया है इस तरीके से। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया है? ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश किया है इसको एक ट्रायंगल बनाने का, ठीक है। ये हम लोगों ने बना दिया है एक ट्रायंगल, देखिए ये मेरा हो गया है ट्रायंगल आर एस यू। तो आर एस यू नाम से एक ट्रायंगल मेरा बन जाए, तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है। देखिए यहाँ पे कहता है एक्सटेंडिंग लाइन एस टी एंड लाइन आर क्यू। एस टी जो लाइन है उसको हम लोगों ने पीछे की तरफ में एक्सटेंड किया है और आर क्यू जो लाइन है उसको हम लोगों ने ऊपर की तरफ में ऐसा एक्सटेंड किया है। पी क्यू और एस टी जो है वो मेरा है पैरेलल, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू और एस टी। देखिए अगर ये वाला लाइन मेरा एस टी है तो इस लाइन को अगर हम लोग पीछे की तरफ में एक्सटेंड किए हैं तो ये वाला भी जो लाइन है वो सेम लाइन है मेरा एस टी का लाइन, तो ये भी मेरा बन गया है देखिए पैरेलल, यानी कि पी क्यू के साथ ये ऊपर वाला भी बन गया है लाइन पैरेलल। ध्यान से देखिए अगर ये दोनों पैरेलल है और बीच में ये वाला जो लाइन है ये लाइन मेरा क्या है, ये लाइन काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का। हमको पता है कि अगर मेरे पास कोई दो लाइन होता है जो कि पैरेलल होता है और बीच में कोई लाइन कट करता है उसको, तो ये लाइन मेरा बन जाता है ट्रांसवर्सल। तो देखिए अगर ये दो लाइन मेरा पैरेलल है और बीच में हमको मिल जाता है ये एक ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा बन जाता है इक्वल, क्योंकि ये हो जाता है मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके ध्यान से देखिए तो यू क्यू ये मेरा क्या हो गया, यू क्यू मेरा हो गया है एक ट्रांसवर्सल टू लाइन एस टी। तो यू क्यू यानी कि ये वाला जो है ये मेरा बन गया है ट्रांसवर्सल टू लाइन एस टी। एस टी जो लाइन जो पीछे की तरफ से खींचे थे इस लाइन के ऊपर में मेरा यू क्यू बन गया है ट्रांसवर्सल एंड लाइन पी क्यू, और ये वाला है मेरा लाइन पी क्यू, ठीक है। तो ये मेरा बन गया है ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल वी यू क्यू यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल वी यू क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, यानी कि ये वाला एंगल से इक्वल है जो हम लोग यहाँ पढ़े थे। ये मेरा बन गया है क्यों, क्योंकि ये इक्वल हो गया है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के प्रॉपर्टी से। देयरफॉर एंगल वी यू क्यू मेरा हो गया है 110 डिग्रीज। ओके नाउ अब कहता है एंगल वी यू क्यू एंड एंगल क्यू यू एस फॉर्म से लीनियर पेयर। यहाँ पे एंगल वी यू क्यू और एंगल क्यू यू एस मेरा लीनियर पेयर बनाता है। ये वाला है मेरे पास एंगल वी यू क्यू और ये वाला है मेरे पास एंगल क्यू यू एस। देखिए ये वाला क्या हो रहा है, ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है एस टी वाला लाइन, और ये वाला है मेरे पास एक लाइन जो है मेरा यू आर। तो देखिए ये मेरा बन रहा है लीनियर पेयर ऐसा, तो लीनियर पेयर बनेगा तो क्या होगा, लीनियर पेयर बनेगा तो ये दोनों एंगल्स को मिला के मेरा होना चाहिए 180 डिग्रीज का। तो ये वाला एंगल तो हमको मिल गया है 110 डिग्रीज, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल था मेरा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री यानी कि 70 डिग्रीज मेरा बन जाएगा एंगल एस क्यू आर। देखिए कैसे होगा, सो एंगल वी यू क्यू प्लस एंगल क्यू यू एस मेरा हो गया 180, देयरफॉर एंगल क्यू यू एस मेरा बन गया है 180 माइनस एंगल वी यू क्यू, क्योंकि ये मेरा लीनियर पेयर हो रहा था इसलिए हो गया ऐसा। देयरफॉर एंगल क्यू यू एस यहाँ से हमको निकल गया है 70 डिग्रीज, या फिर एंगल क्यू यू एस को हम लोग बोल सकते हैं एंगल आर यू एस, ये मेरा हो गया है 70 डिग्रीज। देखिए ये वाला जो एंगल है मेरा क्यू यू एस यानी कि ये वाला जो एंगल है ये मेरा क्या है, ये है एंगल क्यू यू एस, ठीक है ना। तो क्यू यू एस को हम लोग आर यू एस भी बोल सकते हैं। देखिए एक ही एंगल है दोनों, एंगल क्यू यू एस और एंगल आर यू एस दोनों मेरा सेम एंगल है, ठीक है। इसलिए यहाँ से हम लोग को एंगल आर यू एस भी मिल गया, यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि हमको ये वाला एंगल निकालना है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, तो हमको ये वाला एंगल मिल गया। अब हमको ये वाला एंगल चाहिए, तो ध्यान से देखिए इस वाले ट्रायंगल में हमको तीन एंगल्स में से दो एंगल्स का जरूरत था, जहां पे हमको एक एंगल मिल गया है और हमको दूसरा एंगल का जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर है 130 डिग्री ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है ये दोनों मिला के हो रहा है लीनियर पेयर। अगर ये 130 है ये वाला कितना होगा, ये वाला हो जाएगा मेरे पास 50 डिग्रीज का एंगल, ठीक है। कैसे निकलेगा देखिए, अगेन एंगल यू एस आर प्लस एंगल आर एस टी ये मेरा हो जाता है 180 डिग्री, क्योंकि ये भी मेरा है लीनियर पेयर एंगल। तो देखिए यू एस आर और आर एस टी कहाँ पे है, ये है मेरे पास यू एस आर यानी कि ये वाला एंगल यू एस आर
प्लस एंगल आर एस टी यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिला के मेरा हो रहा है लीनियर पेयर। सो यहाँ पे यू एस आर क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल आर एस टी, देयरफॉर यहाँ से निकल गया है हमको यू एस आर का वैल्यू 50 डिग्रीज का। अब देखिए जब हमको यू एस आर निकल गया है 50 डिग्रीज, जब हमको आर यू एस निकल गया है 70 डिग्रीज, तो मेरे पास जो एंगल बच गया है एंगल क्यू आर एस वो क्या होगा। देखिए वी हैव ए ट्राइंगल एस यू आर, हम लोग के पास एक ट्राइंगल था एस यू आर, सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल होता है 180 डिग्री, जहाँ पे हमको ये तीनों एंगल्स है ट्राइंगल का एड करने से होता है 180। जहाँ पे हमको ये वाला एंगल मिल चुका है, ये वाला एंगल मिल चुका है, यू एस आर है मेरे पास 50, आर यू एस है मेरे पास 70, तो मेरे पास क्यू आर एस क्या होगा, क्यू आर एस मेरा हो गया है 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज, देयरफॉर क्यू आर एस जो एंगल है वो निकल गया है मेरे पास 60 डिग्रीज का। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये जो क्यू आर एस एंगल है, ये वाला एंगल ये मेरा निकल जाता है 120 डिग्रीज का। ओके, हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन 5। ये कहता है इन फिगर 6.32 यानी कि इस वाले फिगर में ए बी और सी डी पैरेलल है, यानी कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मेरा पैरेलल लाइन है। फिर कहता है कि ए पी क्यू है 50 डिग्रीज का, तो ए पी क्यू कहाँ पे है, ये वाला है 50 डिग्रीज का एंगल। उसके बाद कहता है पी आर डी है 127, तो पी आर डी मेरा हो गया है ये वाला 127। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन यानी कि ए बी और सी डी मेरा क्या है, ये मेरा है पैरेलल लाइन जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ये लाइन मेरा दोनों पैरेलल है तो ये वाला क्या है, ये वाला मेरा हो गया है एक ट्रांसवर्सल। ओके, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये वाला एंगल मेरा 50 है तो ये वाला भी एंगल मेरा 50 होगा, करेक्ट, क्योंकि ये दोनों हो गया है मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि एंगल एक्स मेरा बन जाएगा 50 डिग्रीज का एंगल। अगर एंगल एक्स मेरा बन गया 50 डिग्रीज का, तब ध्यान से देखिए ये दोनों लाइन यानी कि ये वाला लाइन पूरा और ये वाला लाइन यानी कि ए बी और सी डी, ये दोनों ही मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पैरेलल है। अब ध्यान से देखिए ये वाला जो लाइन सी डी है, इस लाइन सी डी के ऊपर में ये वाला एक लाइन आया है ऊपर से पी आर, ये क्या हो गया है, देखिए ये मेरा हो गया है एक लीनियर पेयर के जैसा। अगर ये लीनियर पेयर है तो यहाँ पर अगर ये वाला 127 है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला मेरा हो जाएगा 53 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, तो ये वाला मेरा हो गया है 53 डिग्रीज, क्योंकि ये 127 है तो ये वाला हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 127 यानी कि 53 डिग्रीज। ठीक है, अब हमको ये वाला ट्रायंगल ले लेना है, ये ट्रायंगल अगर ले लेंगे हम लोग ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ध्यान से देखिए अब हम लोग ले लेंगे ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर में से हम लोग को क्या है, हम लोग को दो एंगल मिल चुका है जो कि है मेरे पास 50 और 53। तो हमको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये मेरा होता है 180 डिग्रीज का। यहाँ से अगर हम लोग 180 डिग्रीज में से माइनस कर दें 50 और हम लोग यहाँ से माइनस कर दें 53, ये दोनों एंगल्स को माइनस करने से मेरे पास जो एंगल बचेगा वो मेरा हो जाएगा एंगल वाई। देखिए ये वाला क्वेश्चन 5 कैसे सॉल्व होगा, ये है मेरे पास क्वेश्चन 5 दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए पी क्यू 50 डिग्री, पी आर डी 127 यानी कि ये वाला है 50, ये वाला है 127, ये वाला जो लाइन है ये मेरा पैरेलल है इस वाले लाइन के साथ, करेक्ट। आप देखिए निकालना है एंगल एक्स और एंगल वाई, जैसे हम लोग पढ़े थे कि ये वाला और ये वाला मेरा पैरेलल है तो ये वाला मेरा काम कर रहा है एक ट्रांसवर्सल का, अगर ऐसा है तो एंगल 50 और एंगल एक्स मेरा इक्वल हो जाएगा। गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, पी क्यू मेरा ट्रांसवर्सल है, सो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स, यानी कि ये मेरा हो जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टीज है, देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, एंगल एक्स मेरा बन गया है 50 डिग्रीज का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कहता है नाउ एंगल पी आर डी एंड एंगल पी आर क्यू फॉर्म्स ए लीनियर पेयर। देखिए ये वाला है एंगल पी आर डी और ये वाला है एंगल पी आर क्यू, दोनों मेरा बन रहा है लीनियर पेयर, इसलिए देयरफॉर एंगल पी आर डी प्लस एंगल पी आर क्यू ये मेरा हो गया है 180 डिग्रीज का।
देयरफॉर यहाँ से हमको मिल गया है एंगल पी आर क्यू जो कि हो गया है 180 माइनस 127, यानी कि एंगल पी आर क्यू हमको मिल गया है 53 डिग्रीज का। अब हमको दोनों एंगल मिल गया है 50 और 53 डिग्रीज का। अब हम लोग कंसिडर करेंगे ये वाला ट्राइंगल, जैसा हम लोग पढ़े थे कि इस वाले ट्राइंगल में हमको दो एंगल्स मिल गया है। एक हो गया है मेरे पास ये वाला एंगल 50 डिग्रीज का और ये वाला हो गया है मेरे पास 53 डिग्रीज का। तो दो एंगल मिल गया है, तो थर्ड एंगल क्या होगा? ये मेरा माइनस करने से निकल जाएगा 180 से। तो इसलिए यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, टेकिंग ट्राइंगल पी क्यू आर इन टू कंसिडरेशन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये मेरा होता है 180। देयरफॉर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल पी आर क्यू मेरा हो गया है 180। यहाँ पर हमको ये निकल गया था एंगल 50 एंगल एक्स और हमको पी आर क्यू निकल गया था 53 डिग्रीज। देयरफॉर एंगल वाई मेरा क्या हो जाएगा? एंगल वाई मेरा हो जाएगा 180 माइनस 103। देयरफॉर एंगल वाई मेरा निकल जाएगा 77 डिग्रीज का। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एंगल वाई निकाल ली। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन 6। देखिए क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 6। ये कहता है इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये पी क्यू है और ये वाला है मेरे पास आर एस, ये दोनों मिरर्स है और दोनों पैरेलल है एक दूसरे का। एंड इंसिडेंट रे ए बी, एक ए बी जो रे है वो स्ट्राइक कर रहा है पी क्यू के ऊपर में, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इस तरीके से और ये फिर आ रहा है आर एस के ऊपर में और फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करके आगे निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला मेरा हो गया है ए बी और फिर ये वाला हो गया है बी सी और ये हो गया है मेरा सी डी। ठीक है, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट पी, इस पॉइंट में इसको स्ट्राइक कर रहा है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ पी सी, जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो रे आगे बढ़ रहा है वो बी सी रे है जो मेरा स्ट्राइक कर रहा है आर एस के ऊपर में एट सी पॉइंट एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग सी डी, और आर एस में रिफ्लेक्ट करके ये फिर एक सी डी रे बन के निकल जा रहा है। यहाँ से प्रूफ करने के लिए बोलता है कि ए बी जो है वो मेरा पैरेलल होगा सी डी का, यानी कि ये वाला जो ए बी है ये मेरा पैरेलल होगा ये वाले सी डी का। ये हमको प्रूफ करना है, ये कैसे होगा आइए देखते हैं। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। हमको कहता है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, प्रूफ करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो ये वाला हमको दिया हुआ है कि पी क्यू जो है वो मेरा पैरेलल है आर एस का। देखिए कैसे होगा ये, कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पे हमको ये वाला जो एंगल बन रहा था, ये वाला जो रे यहाँ से आ रहा था और स्ट्राइक करके जो इस तरीके से निकल रहा था, ये जो एंगल बन रहा था इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली ये वाला रे यहाँ पे आके इसको स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करके ऐसा निकल रहा था, तो ये वाला जो एंगल था यहाँ भी हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे। ओके, कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर लाइन। देयरफॉर ये जो लाइन है बी जो हम लोग ड्रॉ किए है परपेंडिकुलर लाइन, वो क्या हो गया है, वो मेरा जो लाइन पी क्यू है उसका बन गया है परपेंडिकुलर। वैसे ही ये वाला जो लाइन एफ सी जो ड्रॉ किए थे ये मेरा बन गया है परपेंडिकुलर लाइन ये वाला लाइन आर एस के ऊपर में। ठीक है, इसलिए कहता है कि एफ सी इज परपेंडिकुलर टू आर एस एंड बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिक्स में कि जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो मेरा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, यानी कि ये वाला जो मेरा एंगल वन है वो मेरा एंगल टू का इक्वल हो जाएगा। क्योंकि देखिए एंगल वन क्या है, एंगल वन है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इस वाले एंगल से ये वाला रे ये पॉइंट बी के ऊपर में स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, अगर ये वाला मेरा एक रे है जो पॉइंट बी के ऊपर में स्ट्राइक कर रहा है तो ये वाला हो गया है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाले पॉइंट बी से ये मेरा एक रे निकल रहा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग को पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए यहाँ पर देखिए एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हो गया है, क्योंकि एंगल वन था मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल टू था मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे कहता है कि ये वाला जो रे है पॉइंट सी में आके ये क्या कर रहा है, ये मेरा हो गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि पॉइंट सी में जो आ रहा है वो हो गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट सी से जो निकल रहा है
वो मेरा हो गया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए यहाँ पर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एंगल 3 मेरा हो गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल 4 हो गया है मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑल्सो हमको पता है कि PQ इज पैरेलल टू RS। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि ये जो लाइन मेरा PQ है और ये जो लाइन मेरा RS है, ये मेरा क्या है, पैरेलल है। Therefore BE इज पैरेलल टू CF एंड BC इज ट्रांसवर्सल। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था PQ जो है वो मेरा RS का पैरेलल है। ओके अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला PQ लाइन के ऊपर में ये वाला ड्रॉ किया है मेरा परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो गया स्ट्रेट लाइन। वैसे ही RS के ऊपर में ये भी हो गया है मेरा स्ट्रेट लाइन यानी कि CF। तो CF और BE ये भी दोनों मेरा हो जाता है पैरेलल लाइंस। ओके अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई परपेंडिकुलर है तो वो भी मेरा हो जाएगा एक दूसरे के साथ पैरेलल। तो ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों पैरेलल है और बीच में ये वाला जो लाइन है वो मेरा हो गया है क्या, एक ट्रांसवर्सल ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में। ओके ये मेरा देखिए बन गया ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल हो गया है तो ये वाला एंगल 2 और ये वाला एंगल 3 मेरा बन जाता है इक्वल, क्योंकि ये मेरा हो जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। BE इज पैरेलल टू CF एंड BC एक ट्रांसवर्सल है, सो EBC इज इक्वल टू FCB, क्योंकि ये मेरा बन जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर EBC इज इक्वल टू FCB है यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, लेकिन हम लोग को तो यहाँ से मिला था कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये चीज हम लोग यहाँ पर निकाल चुके थे। अगर ये वाला एंगल 2 और ये वाला एंगल 3 मेरा इक्वल हो जाता है तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाने से मेरे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी कि चारों एंगल मेरा इक्वल हो जाएगा। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, नाउ वी हैव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 मेरा इक्वल है। ठीक है, नाउ एडिंग 1 एंड 2 टुगेदर, अगर हम लोग 1 और 2 को एक साथ ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए ये मेरा आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये मेरा आ गया इधर और यहाँ पे आ गया एंगल 3 प्लस एंगल 4 यानी कि इधर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होता है, ये मेरा होता है एंगल ABC। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा एंगल ABC, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 को मिला देंगे तो ये मेरा बन जाएगा एंगल BCD। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये दोनों मेरा एंगल क्या है, ये दोनों मेरा एंगल बन गया है इक्वल और बीच में ये वाला हो रहा है मेरा एक ट्रांसवर्सल, यानी कि देखिए ये दोनों एंगल मेरा ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया है। ये कब हो सकता है, ये दोनों एंगल मेरा इक्वल तभी हो सकता है जब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो है वो मेरा पैरेलल हो। ओके ये दो लाइंस जब पैरेलल होगा तभी तो जाके बीच में एक ट्रांसवर्सल बनेगा और ये एंगल और ये वाला एंगल मेरा इक्वल होगा। ओके यहाँ पे कहता है कि एंगल ABC जो है वो मेरा इक्वल हो गया है एंगल BCD का, और यहाँ पर BC जो था वो मेरा हो गया था एक ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये मेरा हो गया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए ये मेरा हो गया था इक्वल। हेंस हम लोग कह सकते हैं कि AB जो है वो CD का पैरेलल हो गया। AB मेरा CD का पैरेलल इसीलिए हो गया क्योंकि ये वाला एंगल जो था और ये वाला एंगल जो था वो मेरा बन गया इक्वल, और ये वाला बीच में था मेरा BC एक ट्रांसवर्सल, और ये तभी हो सकता है जब ये AB लाइन और CD लाइन मेरा पैरेलल हो एक दूसरे का। ओके क्योंकि मेरा जो प्रॉपर्टी है वो बोलता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई तीसरा लाइन अगर आता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा इक्वल बन जाता है। तो ये एंगल इक्वल कब बनेगा, जब ये दो लाइन मेरा पैरेलल होगा, इसलिए यहाँ पर ये दो लाइन मेरा पैरेलल हो गया, AB इज पैरेलल टू CD। ओके थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।